दोस्तों, मेरा नाम मनोज, और आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर कर दिया है तो आपको वो कैंसिल करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिल रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली आपके फ्लिपकार्ट जाना है। फ्लिपकार्ट जाने के बाद यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद माई ऑर्डर्स पर क्लिक कर देना है। माय ऑर्डर्स पर क्लिक करने के बाद आपकी आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ मैंने ये ऑर्डर कर लिया है, अब मुझे ये कैंसिल करना है। सो सिंपली यहाँ पे मैं एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैंसिल, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैंसिल आइटम, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रीज़न कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके। माई रीज़न नॉट इंटरेस्टेड, ये रीज़न मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर जैसे क्लिक कर दूँगा, ये देख सकते हैं आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।